मुद्रा प्रक्षेपणं जातम्। एक लाइन में खड़े यह वेद पाठी बच्चे किसी शास्त्रार्थ के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट मैच के लिए अपनी टीम का परिचय दे रहे हैं। वेद पढ़ रहे बच्चों के क्रिकेट टूर्नामेंट अंपायर भी उन्हीं के रंग में रंगे हैं। धोती कुर्ते के साथ गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं पीताम्बरधारी इन बच्चों का विधिवत टॉस कराने के बाद खेल की शुरुआत कर रहे हैं जिसकी कमेंट्री भी संस्कृत में हो रही है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट शास्त्रार्थ महाविद्यालय के स्थापना दिवस पर हो रहा है। इसमें कुल 4 टीमें शास्त्रार्थ महाविद्यालय चल्ला शास्त्री वेद वेदांग विद्यालय श्री सतुआ बाबा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय और चंद्रमौली ट्रस्ट भाग ले रहे हैं। हम समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि संस्कृत के बटकों को केवल पूजा पाठ या शादी विवाह तक ही सीमित न समझा जाए। यदि उनके एक हाथ में वेद है, वेद की पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ है, तो दूसरे हाथ में अगर आप क्रिकेट का बैट भी थमाते हैं तो उस क्षेत्र में भी वो अपना करिश्मा दिखा सकते हैं। एक दिवसीय संस्कृत क्रिकेट टूर्नामेंट को नॉकआउट तर्ज पर खेला जा रहा है। 8-8 ओवरों के सीमित ओवर में पूरे दिन में 4 टीमें फाइनल में पहुंचकर विजेता बनेंगे। वेद पाठी बच्चे इसकी तैयारी पूरे साल करते हैं। हम लोग संस्कृति को बढ़ावा और संस्कृति को पीछे ना छोड़ने के और इस समय क्रिकेट जो है सबका सभी के रंग रंग में बसा हुआ है, सभी लोग क्रिकेट के प्रेमी हैं, तो इसका ये है कि मतलब इसे सब चीज़ संस्कृत में हो। संस्कृत यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम और G20 भी है, तो सब लोग एक साथ रहें, सब चीज़ एक साथ से चले। क्रिकेट भी एक तरह का धर्म ही है कि हम लोग अपने अष्टमी और प्रतिपदा जिस दिन हम लोग छुट्टी होती है उस दिन हम लोग का भी बहुत बड़ा आयोजन होता है। हम लोग हर हफ्ते में एक दिन बहुत बड़ा आयोजन होता है, हम लोग खेलते हैं मनोरंजन के लिए, अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए। खिलाड़ी बच्चों के अलावा विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी यहाँ पवेलियन में बैठते हैं और हर चौके और छक्के पर ताली बजाने के साथ हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हैं। क्रिकेट का जुनून हर किसी के सर चढ़कर बोलता है, फिर चाहे वो वेद पाठी बच्चे ही क्यों ना हो। कहते हैं कि भारतवर्ष में क्रिकेट एक धर्म बन चुका है, लिहाजा इन वेद पाठी बच्चों के क्रिकेट टूर्नामेंट की कमेंट्री संस्कृत में एक अलग तरह का रोमांच पैदा कर रही है। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।